Hey, switchblade on my body, private all in my pocket. Hit switch and get dropping, got a 6-4 with hydraulics. वेलकम बैक विद अनदर वीडियो. मेरा नाम है उस्मान और आज हमारे सामने टाटा सफारी डार्क एडिशन और ये इसका एग्जेट प्लस 7-सीटर वेरिएंट अवेलेबल है हमारे सामने. सो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे थे जब से डार्क एडिशन की दूसरी गाड़ियाँ आने लगी हैं जैसे अल्ट्रोज, नेक्सॉन एंड टाटा हैरियर. तो इसके बारे में भी काफ़ी लोग वेट कर रहे थे. सबको पता था कि एक सफारी का भी डार्क एडिशन आने वाला है. सो ये लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर इससे पहले भी थोड़ी देर की बात कर लो तो एक गोल्ड एडिशन आपको मिला था जो ब्लैक एंड वाइट कलर में आ रहा था. तो अब यहाँ पर आपके सामने दो कलर्स मिल जाएंगे. वो सिंपल वाइट कलर है जो पहले भी आता था एंड ये आपका डार्क एडिशन वाला कलर आ गया. सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है देखने में. दोनों गाड़ियाँ मस्कुलर है बट ब्लैक्स में जो एक लुक निकल के आती है ना वो एक अलग सा ही फील देती है. इवन अगर मैं साइड डायमेंशन की बात दिखा दूँ तो काफ़ी ह्यूज गाड़ी लगती है. इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सही है. एंड यहाँ पर जो ये वाला वेरियंट है डार्क एडिशन का एग्जेट प्लस मैनुअल एडिशन वाला 7-सीटर, ये आपको पड़ जाता है 21.12 लाख एक्स शोरूम प्राइस. एंड यहाँ पे इस बार आपको जो डार्क एडिशन है उसमें आपको XT प्लस मिलता है. उसके बाद आपको XT A+ मिलता है जो कि ऑटोमेटिक में आ जाता है. आफ्टर दैट आपको XZ+ मिल जाएगा डार्क एडिशन में और XZ+ 6-सीटर में मिल जाता है. तो ये दो आपको मिल रहे हैं 6 और 7-सीटर दोनों में ही. उसके बाद आपको यहाँ पे XZ A+ डार्क एडिशन मिल जाएगा. ये भी आपको दो वेरिएंट्स में मिल जाएगा, एक 6-सीटर है और एक 7-सीटर. तो ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे डार्क एडिशन के. एंड इनमें जो आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है डार्क एडिशन और जो नॉर्मल वाला आता है सो उसमें आपको 30,000 to 40,000 का डिफरेंस मिल जाएगा प्राइस का. अब यहाँ पे काफ़ी सारे एस्थेटिक चेंजेस आपको मिलेंगे जिसकी वजह से इसकी जो लुक्स है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है. जो ग्रिल का पूरा आपको यहाँ पे क्रोम का वर्क आता था वो पूरा आपको मिल जाता है यहाँ पे ब्लैक में. नीचे भी आपको यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते थे, ये भी अब आपका पूरा ब्लैक का हो गया है. साथ में यहाँ आपको मिल जाती है हैशटैग डार्क की बैजिंग दोनों साइड के फेंडर्स पे. एंड यहाँ डोर हैंडल्स पे भी आपको दिख रहा होगा, तो पहले आपको ये क्रोम हैंडल में मिलता था. सो ऐसा कुछ आपको क्रोम वर्क मिलता था डोर हैंडल्स पे, बट आप यहाँ पे पूरे ही आपको ब्लैकआउट मिल जाएंगे विद व्हील्स. सो व्हील्स का भी जो अलॉय का डिज़ाइन है ये भी फुल ब्लैक में हो चुका है जो कि एक अलग ही लुक प्रोवाइड करता है इसको. इंटीरियर्स में भी अब सीट कवर्स लगाने का झंझट नहीं है, सारी सीट्स आपको ऐसी कुछ मिल जाएंगी ब्लैक सीट कवर्स के साथ. एंड यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रखा गया है, इसका ट्रायरो पैटर्न मिल जाएगा और ये ब्लू कलर के आपको परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं. फ्रंट में आपको मिल जाती है दोनों ही वेंटिलेटेड सीट्स, साथ में ड्राइवर साइड आपको 6-वे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मिल जाती है और पैसेंजर साइड आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ये मिल जाता है. इंटीरियर चेंजेस पे भी थोड़ी देर में आते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं इसका इंजन बे. इंजन आपको सेम स्पेक्स के साथ मिलेगा, ये आपको मिलता है इसका इंजन सेटअप. क्रायोटेक 170 की बैजिंग आपको इसके इंजन पे मिल जाएगी. सो ऐसा कुछ ओवरऑल दिखने में लगता है. इंसुलेशन वर्क इनका पहले से ही काफ़ी अच्छा है. इवन अगर मैं NVH लेवल की बात कर लूँ एज़ पर माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो वो मुझे बेटर लगते हैं अगर आप इसको कंपेयर कर लो इसके छोटे भाई हैरियर से. एंड यहाँ पर आपको 2 लीटर्स का 4-सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन दिया जाता है जो प्रोड्यूस करता है 168 BHP की पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क. कंपनी क्लेम करती है 16 km/L की एवरेज एंड यहाँ पे आपको 14 से 15 की आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मिल जाएगी. एंड कीज़ की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पे कुछ ऐसी कीज़ मिलती है, सब टाटा की गाड़ियों में ऐसी मिलती है आपको, टाटा की ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक, ये आपको फॉलो मी होम का ऑप्शन भी दिया जाता है इसमें और ये साथ में इसको होल्ड करके रखोगे तो टेलगेट आपका ओपन हो जाता है. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू जब भी आप गाड़ी देखने चाहते हैं. बिल्ड क्वालिटी इसकी नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट आप एक बार इसका जो बोनेट हुड है वो ओपन करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा. सो यहाँ पे इससे आपका शोल्डर का वर्कआउट भी हो सकता है इसका बोनेट हुड उठाने से. बाकी बात की जाए इसके साइड लुक्स की सो ये काफ़ी एक अच्छा रोड प्रेजेंस देती है. इवन जो इसका साइड का पीछे का डिज़ाइन है वो आपको ओल्ड सफारी की याद दिला देता है. तो ये कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स उसमें भी आपको देखने को मिलते थे. सो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर इसके ORVM पे, ट्विन ब्लेड वाइपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, साथ में हैशटैग डार्क की बैजिंग और ये आपको फुल ब्लैक में दिया गया इसका अलॉय व्हील्स. डिज़ाइन सेम है लेकिन ब्लैक में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सही लगता है. इसका टायर सेक्शन है 235/60 R18, सो 18 inches के आपको व्हील मिल जाते हैं. ऑल फोर व्हील्स में आपको मिल जाएगी डिस्क ब्रेक. फ्रंट में दिया जाता है आपको इंडिपेंडेंट मैकफर्सन सस्पेंशन और अगर रेयर की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विद पैनहार्ड रॉड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन. तो ये कुछ ऐसा सेटअप है एंड पूरा ये कवर्ड है. इसके कवर्ड होने की ये रीज़न है कि पीछे जो आपका जो टायर नॉइज़ है वो कैबिन के अंदर ना आए.
टाटा सफारी की ओवरऑल लेंथ है 4661 mm की, साथ में यहाँ पे आपको 1894 mm की इसकी विड्थ मिल जाती है एंड हाइट दी गई है 1786 mm की, साथ में 2.7 मीटर्स का व्हील बेस दिया गया है और 205 mm का आपको मिल जाता है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस। ये दिया गया इसका फ्यूल लिड, यूजुअली कारों में लेफ्ट हैंड साइड पे दिया जाता है बट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ही दिया गया है, तो ये यहाँ से आप डीजल इसमें फिल कर सकते हैं। 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओपन करते हैं इसका टेल गेट। ये चीज़ मैंने काफ़ी भी पहले वीडियोस में नोटिस की है और बताया है, जैसे आप इसका टेल गेट ओपन करते हैं तो प्रॉपर कोई हैंडल नहीं दिया गया जिसको पकड़ के आप खोल सको, ना तो नीचे की साइड पे और ना तो यहाँ पे। सो इसी को आपको जो लोगो है इसी को यहाँ से जोर लगा के ओपन करना पड़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा जोर लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ये काफ़ी हैवी है, आई थिंक इनको यहाँ पे कोई प्रॉपर हैंडल दे देना चाहिए जिसकी वजह से आप इसको ओपन कर सको अच्छे तरीके से। सो अभी तो यहाँ पे कोई भी बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा बैग ही अगर आप रखना चाहो या कोई पॉली बैग्स वगैरह वही रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते। बट यहाँ पे जैसे आप इसको डाउन करते हो तो सिंगल हैंडेडली आप इसको सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, तो काफ़ी बड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 447 लीटर्स की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है। काफ़ी बड़ा बूट बन जाता है जैसे ये डाउन हो जाती है सीट्स एंड इनको अप करना भी बहुत इजी है, इसकी मदद से आप इसको पीछे कर सकते हो। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी आपको अच्छे ऑप्शंस दिए जाते हैं। सीटिंग कंफर्ट कैसा है वो अंदर चल के मैं बैठ के आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स और ये नेट वगैरह कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ बूट के लिए भी आपको एक लाइट दी जाती है। बाकी इसको अभी ऊपर कर देते हैं तो बहुत इजी है इसको ऊपर करना एंड यहाँ आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं। करते हैं इसको क्लोज, साथ में ऊपर आपको पूरा पैनल कवर्ड मिल जाता है, ये आपको एक हैंडल मिल जाता है टेलगेट बंद करने का, बट साथ में यहाँ से भी आप इसको इजीली बंद कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाती है सफारी की ब्रांडिंग, ऊपर आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लाइट्स यहाँ पे आ जाती है लाइसेंस प्लेट की, सो ट्विन स्ट्रिप लाइट आपको मिल जाती है, ब्रेक लाइट, साथ में यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट मिल जाती है। नीचे की साइड आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स। अब एक कंप्लेंट है मेरी टाटा से, इतनी बड़ी गाड़ी है फिर भी इसमें इन्होंने दो ही पार्किंग सेंसर्स दिए गए। आई डोंट नो ये अपनी हर एक कार में दो पार्किंग सेंसर्स क्यों देता है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका स्पेयर व्हील जो कि आपको स्टील रिम में दिया गया है एंड अंडर बॉडी कवरिंग आपकी कुछ ऐसे आ जाती है, और दूसरी साइड आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा इसका। पीछे की साइड आपको वाइपर डिफॉगर दिया जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे वॉशर भी है, और ये जो रूफ है ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है एंड वही टाटा की पुरानी पहचान वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो यहाँ आपको सफारी मिल जाता है, पहले क्रोम में सारे एलिमेंट्स आते थे, अब यहाँ पे ये डार्क में आ जाता है। सो काफ़ी अगर दूर से आप देखोगे तो आपको शायद ना पता चले क्योंकि पूरा ब्लैकआउट हो गया ये। सो ये कुछ इसकी विंडोज़ है, ओपन कर देता हूँ इसके रियर सीट्स। अब रियर सीट्स में भी एक बेनिफिट है, जो ये वाली सीट्स है ये भी स्लाइड होती है आगे एंड पीछे। अगर मैं XUV 700 की बात कर लूँ तो उसमें आप सिर्फ रिक्लाइन को आगे पीछे सेट कर सकते हो, बट इसमें जो बेंच है ये पीछे करके दिखा देता हूँ मैं। सो ये भी आगे पीछे होता है तो थोड़ा बहुत लेग रूम आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को टाटा सफारी के बारे में। थर्ड रो सीट्स में एक बार जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको आपने ये सीट्स आपकी टंबल अप हो जाती है एंड काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है पीछे बैठने के लिए। एक बार पीछे चल देते हैं, थर्ड रो स्पेस पे मैं अभी आ चुका हूँ। तो यहाँ पे नी रूम मेरे को हल्का सा मिल रहा है, सीट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीछे है, इस सेटिंग से भी पीछे मैंने कर दी है, फिर भी यहाँ पे आपको नी रूम थोड़ा बहुत मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी कम मिलती है, सो वो इसकी आप उम्मीद ना करें। बच्चों के बैठने के हिसाब से ठीक है लेकिन अडल्ट्स फिर भी आप इसको शॉर्ट राइड पे लेके जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, नी रूम भी मेरे को मिल रहा है, सो एज सच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं हेडरेस्ट भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, सो यहाँ पे मैंने हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, तो मैं इजिली यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडरूम की कमी नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो। साथ में ऊपर की साइड आपको यहाँ पे एक रीडिंग लाइट भी दी गई है, तो वाइट कलर में दी गई है, काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। राइट हैंड साइड पे आपको एसी के कंट्रोल्स दिए जाते हैं एंड एक आपको मिल जाता है इसमें कप होल्डर एंड नीचे आपको नेट मिल जाता है। दूसरी साइड आपको अगेन कप होल्डर दिया गया है और दो चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, सो यहाँ पे अपने फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। ये एसी वेंट दिए गए हैं, थर्ड रो पैसेंजर का भी ध्यान रखा गया है एंड थोड़ा बहुत जो बाहर का व्यू है इसको थोड़ा बहुत ये कम हो जाता है इसकी वजह से, बट ठीक है यहाँ पे एसी वेंट दिए गए। बाकी ये आपको कुछ ऐसा यहाँ पे भी एयरबैग्स की ब्रांडिंग, सो ओवरऑल 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाएंगे देखने को एंड यहाँ से बाहर निकलना भी काफी ज्यादा इजी है। तो ये कुछ इतनी स्पेस आपको मिल जाती है बाहर निकलने के लिए।
सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर साइड सीट्स पे। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर और की इनसाइड का ऑप्शन दिया गया। सो नीचे की साइड आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपनी कीज वगैरह को इंसर्ट कर सकते हो। बाकी ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको अगेन वाइड ओपनिंग के साथ मिल रहा है, ऐसा अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फुल ब्लैक में इसका डोर दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्राई एरो पैटर्न और वही ब्लू कलर की परफोरेशन वगैरह यहाँ पे भी आपको मिलती है। तो ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। ऑल फोर पावर विंडोज के बटन ड्राइवर साइड आपको वन टच अप एंड डाउन के साथ दिया जाता है। चाइल्ड सेफ्टी एंड ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका जो डोर का डिजाइन है ये भी काफी वाइड है, तो ऊपर भी आप बाजू रख सकते हो और नीचे भी रख सकते हो, एंड ये कंफर्टेबल आपको दिया गया है लेदर कवरिंग के साथ। बाकी ग्रैब करने के लिए ये हैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पियानो ब्लैक यहाँ पे थोड़ा बहुत है और ये भी आपको डार्क क्रोम शेड में मिल जाएगा। सो यहाँ भी सब जगह डार्क ही डार्क आपको मिल जाता है। 6+ स्पीकर सिस्टम्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे JBL के। ऊपर की साइड अगर मैं दिखा दूँ तो 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ए पिलर पे आपको ये चीज़ मिल रही होगी जहाँ पे JBL की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और ये अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, थोड़ी यहाँ स्पेस मिल जाती है और ये आपको मिल जाती है वार्निंग लाइट सेफ्टी के लिए। और ऐसा कुछ इसका लुक है। सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 6-वे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती है एंड 2-वे मैनुअल एडजस्टमेंट आपको ये इसका हेडरेस्ट मिलता है। और साथ में अच्छी चीज़ है, ये आपको वेंटिलेशन के साथ प्रोवाइड की जाती है, तो 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं ये वेंटिलेशन के, काफ़ी अच्छा चीज़ है। साथ में यहाँ आपको फुटरेस्ट और तीनों ABC पेडल्स है, इसमें एक ऑटोमेटिक वेरियंट भी आ जाता है। सो गाड़ी के अंदर आते ही फ्रंट लुक्स आपको ऐसे मिल जाते हैं। कीज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं और इस साइड पे आपका दिया गया है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। तो प्रेस करते ही कुछ ऐसी आपको यहाँ एनिमेशन मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड अभी भी यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलता। और जो मेरी एक कंप्लेंट है, यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ रखते हो तो ये चीज़ निकालना वगैरह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ही कम्पैक्ट सा साइज़ है। साथ में ये एक USB पोर्ट और ऑक्स वायर का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। एंड ये जो हैंडल्स है ये मेरे को अच्छे लगे। यह 2 डिस्प्लेज दी गई है। अब ये वाली डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगती है देखने में और छोटा भी साइज़ लगता है, तो आई विश ये चीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी हैरियर और सफारी के अंदर आपको इंटरनली ऐसे आप देखोगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ये आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों में ही मिल जाती है। सिटी राइड्स में आपको काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा और हाईवे में ये काफ़ी लाइट हो जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में टाटा की ब्रांडिंग है और 6 एयरबैग्स इसमें आ जाते हैं। सो ये इसका ओवरऑल डैश का लुक है, कैसा लग रहा है नीचे आप कमेंट में ये चीज़ शेयर कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि क्या चेंजेस या अपग्रेड्स आप चाहते हैं इसके इस कैबिन एक्सपीरियंस से। बाकी इस साइड पे आपको मिल जाती है लाइट्स के कंट्रोल विद टर्न इंडिकेटर और दूसरी साइड आपको दिया जाता है वाइपर कंट्रोल्स फ्रंट एंड रियर के। ये सारे क्लस्टर के कंट्रोल्स है विद क्रूज कंट्रोल्स, और यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो ये फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे ट्रिप भी आपको मिल जाएगा। बाकी वाइल्ड ड्राइविंग जो पावर एंड टॉर्क आपको मिलता है वो यहाँ पे मेंशन होते रहेगा। साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें मिलता है, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ये अलग से कुछ सेटिंग्स आ जाती है, तो एक बार देख लेते हैं पावर एंड टॉर्क का। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड विंडोज़ को कर लेते हैं अब, तो एक बार देख लेते हैं इंजन नॉइस कैसी आ रही है इसकी। रेव करते हैं इसको अगेन। ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सी आवाज़ है और जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है। विंडोज़ डाउन भी एक बार कर लेते हैं। सो काफ़ी अच्छा है, मैं इसको बोलूँगा कि हैरियर से तो काफ़ी अच्छा मेरे को देखने को मिल रहा है इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी यहाँ से अनलॉक करने के बाद आपको स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। अगेन आप इसको कर लेते हैं नीचे से लॉक, तो ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई स्टीयरिंग की। बीच में आपको वही पुराना डिज़ाइन मिल जाएगा AC वेंट्स। सो ऐसी कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले मिलती है एंड आई थिंक नीड टू अपग्रेड, इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। टच रिस्पॉन्स इसका स्मूथ है, तो इस साल इन्होंने और पिछले साल भी जो अपना इसका जो ये जो इसका जो इंटरफेस है इसको थोड़ा बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश की है। साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कापले आपको मिल जाता है इसमें वायर्ड, और यहाँ पे देख रहे हो आप तो टच काफ़ी अच्छा है। नई चीज़ इसमें है AQI, सो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको यहाँ मिल जाता है। कैबिन AQI में चले जाओगे आप एंड करेंटली एयर प्योरीफायर ऑफ है, तो ये भी यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी थीम्स वगैरह इसमें आप चेंज कर सकते हो, सो कलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिंग जील। एक बार रिवर्स कैमरा ऑन कर देते हैं इसका, तो विजिबिलिटी काफ़ी सही भी नहीं है, ग्रेनी सा है। साथ में अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको मिल जाती है इसमें, जो कि एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, अदरवाइज व्यू इसका काफ़ी ख़राब है। वाइड अगर मैं कर लूँ तो वाइड अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा और हो जाता है, और जूम शॉट भी आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। सो ये पूरा ब्लैक है, इसका डैश बिल्ट क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे अपर प्लास्टिक्स की बात कर लो या नीचे के जो प्लास्टिक्स की बात कर लो तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। साथ में यहाँ भी एयरबैग की ब्रांडिंग है। नीचे वाला जो ये पार्ट है ये आपको फिनिश्ड में मिल जाता है, और यहाँ पे जो इसका पैटर्न है ये थोड़ा सा अलग सा दिया गया है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो गोल्ड एडिशन आया था ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा था, और जो उसका वाइट कलर था, वाइट कलर में जो इंटीरियर्स उसके आते थे, वन ऑफ द बेस्ट लगे मुझे अभी तक जितनी भी सफारी की एडिशन रिसेंटली जो लॉन्च हुई है उसमें आई है। तो उसकी एक डिटेल वीडियो ऊपर जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे आई बटन में दी गई है। सो डेफिनेटली वो जाके देखो। बाकी यहाँ पे तो आपको बिल्कुल प्लेन ब्लैक में मिल जाएगा। ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल दिए जाते हैं, 6-speed मैनुअल का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे, वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, और ये एनिमेशन वगैरह भी चेंज करते हुए मिल जाएगा आपको, वेट मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ऐसा कुछ है। साथ में यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। गियर लीवर पे भी आपको ये अच्छे से मिल जाती है, लैदर कवर्ड। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, सो ये बहुत सही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, सो यहाँ पे आप रख सकते हो। और ये आपका आ जाता है सॉफ्ट, और इसमें जो स्टिचिंग दी गई है ये ब्लू कलर की दी गई। इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपको कूल्ड मिल जाता है, साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। सीट कंफर्ट अच्छा है, बैक रेस्ट भी आपको जो लंबर सपोर्ट है वो भी अच्छी मिल रही है। साइड से ग्रिप करके रखता है, जो आप कर्व्स पे जाते हो तो ये चीज़ आपको होल्ड करके रखती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे को यहाँ मिल रही है, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और सीट बेल्ट भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है मैनुअली, और साथ में ये आपके सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आ जाते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये आपके IRVM आ जाते हैं ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ, काफ़ी सही है। ऊपर की साइड आपको माइक्रोफोन मिल जाते हैं, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे हैं, सो वाइट कलर की लाइट्स दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाता है, सो पैनारोमिक सनरूफ इसमें दिया गया है। और काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है सफारी में, ये जो तीनों कंट्रोल्स हैं अलग अलग दिए गए हैं, ये सिर्फ ब्लाइंड के कंट्रोल करने के लिए, और ये वेंट को ओपन एंड क्लोज करने के लिए, और अगर आपको सनरूफ पीछे करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। सो ये भी आपको वन टच ओपन एंड क्लोज के साथ मिल जाता है। एंड ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इतनी ओपनिंग है, आराम से आप बाहर निकल के फ़ोटो उठा सकते हैं, इसमें फ़ोटो खिंचा सकते हैं, नो इश्यूज़। और लेकिन रिकमेंडेड आप ड्राइविंग करते टाइम पे बाहर ना निकले, एंड अगेन यहाँ पे इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये आ जाता है आपका ग्लव बॉक्स, ये भी जो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ दिया जाता है। कूल ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट भी आपको प्रोवाइड की गई है, और एक अलग से कंपार्टमेंट दिया गया है। सो काफ़ी प्रैक्टिकल है, अच्छे से आप रख सकते हो। फिर भी मुझे नेक्सॉन का जो ग्लव बॉक्स है वो वन ऑफ द बेस्ट लगता है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। एंड इसमें सेफ्टी की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले आपको बीप की वार्निंग मिल जाएगी, 80 and 120 जैसे आप क्रॉस करते हो। 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं इसमें, जो कि काफ़ी सही है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड एंकर ऑप्शन आपको मिल जाता है, ABS, EBD, ब्रेकिंग असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP मिल जाता है। उसके अलावा आपको हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे रियर सीट्स पे चलते हैं अभी। डोर ओपनिंग यहाँ भी वाइड है, अंदर जाना बाहर आना प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ सफारी के बारे में। वही आपको ड्रायर और पैटर्न मिल जाएगा, और ये ब्लू कलर के यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, लेदर कवर्ड है, ये भी आपको काफ़ी थिक मिलता है। यहाँ पे भी आपको JBL के ट्विटर्स मिल जाते हैं ऑल 4 विंडोज़ पे, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले ये पावर विंडो का बटन ग्रैब करने के लिए काफ़ी सॉलिड सा एक ग्रिप दिया गया है। अनलॉक हैंडल भी, ये भी आपको डार्क क्रोम में मिल जाता है। नीचे की साइड आपको ट्रे मिल जाती है जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो यहाँ पे। बाकी ये आपको मिल जाती है बॉटल होल्डर, और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। अब सीटिंग कंफर्ट इसमें अंदर चल के देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर अभी मैं आ चुका हूँ, रियर सीट पे बैठा हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल होके। ऊपर की साइड आपको मिल जाएगा सनरूफ पैनारोमिक, इसकी वजह से भी काफ़ी एयरी फील आता है। एंड विंडोज़ की जो ओपनिंग है ये भी वाइड है, रेक्टेंगुलर शेप में दी गई, तो बाहर का व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड फ्रंट डैश का लुक्स कुछ ऐसा लगता है देखने में। यहाँ पर लेग रूम, नी रूम दोनों काफ़ी ज़्यादा सही अच्छी दी गई है। अंडर थाई की सपोर्ट की बात कर लूँ तो ये भी अच्छी मिल रही है, यहाँ भी आपको हल्का सा एक्सटेंडेड सा फील आता है। बाकी आप इसके बेंच को भी आगे एंड पीछे कर सकते हो, सो लीवर को पुल करके इसको आप ऐसे आगे एंड पीछे कर सकते हो, साथ में रिक्लाइन भी एडजस्ट हो जाता है। बी पिलर्स पे आपको यहाँ AC वेंट दिए गए हैं, एयरबैग्स की ब्रांडिंग, साथ में आपको मिल जाता है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ एक ग्रैब हैंडल जिसमें आपको हुक भी दिया गया है। उसके अलावा एक लाइट मिल जाती है आपको रीडिंग यहाँ पे, जो कि वाइट कलर की दी गई है। रीज़न ये है कि ऊपर सनरूफ है, इसकी वजह से साइड्स पे दी जाती है। रियर सीटिंग आपको मैंने दिखा दी ऑलरेडी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको वहाँ भी मिलते हैं।
सेकेंड रो में आपको सिर्फ दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए, आई डोंट नो व्हाई, तीसरे के लिए भी देते तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी स्पेस दी गई है, आप फ़ोन वगैरह कुछ रख सकते हो। हम्प यहाँ पे मीडियम साइज़ का है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, तीन लोग यहाँ कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। तो ये थी टाटा सफारी डार्क एडिशन, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, इवन मेरे को जो गोल्ड एडिशन था वो इससे ज़्यादा अच्छा लगा। सो आपके कमेंट्स क्या है प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ, वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।